गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है, आज आप देख ही सकते हैं थंबनेल में भी, जैसे कि एक अलेक्जेंडर पैरट और प्लम हेडेड पैरट, इनका बॉन्ड आप देख सकते हैं, ये कैसे एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये लोग कितने ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो ये करने में पहले बहुत टाइम लगा, पहले तो ये एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे मानते नहीं थे, लेकिन अब ये देखो एक दूसरे के साथ ये हाइड एंड सीक भी खेलते हैं, ये पकड़ पकड़ाई भी खेलते हैं, ये एक दूसरे के साथ अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक्चुअली जो प्लम हेडेड पैरट होते हैं, खास करके फीमेल, वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होती है, वो अपने पास किसी को ज़्यादा नहीं आने देती है, वो किसी को टच नहीं करने देती है। जब इसका चैरी के साथ, ये जो मेरा फीमेल है वो मेरी प्लम हेडेड पैरट है फीमेल, और उसका नाम कीवी, और मेल आपको पता है अलेक्जेंडर पैरट है वो चैरी। तो जब कीवी और चैरी इन दोनों की फ्रेंडशिप है, तो ये लोग ये ऐसे मतलब कि एक दूसरे के साथ ऐसा खेलते जैसे एक दो दो एक ह्यूमन बींग्स खेल रहे या दो बेबीज़ खेल रहे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल इनका सेम वही सेम फीलिंग, सेम वो एक दूसरे के साथ नाराज़ होना, ये होना, एक दूसरे को फिर मनाना कि कोई नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो खा ले, मतलब बहुत एक बड़ी क्यूट सीन की वो है कि ये लोग जब अपने केज में होते हैं, तो अभी मैंने इनको अगर ओपन नहीं किया कि अभी तुम केज में ही रहो, तो जो प्लम हेडेड पैरट है तो वो बड़े वाले को बोलेगा अलेक्जेंडर पैरट को कि मुझे बाहर जाना है खोल खोल, तो जो बड़ा वाला है वो इसके लिए वो डोर खोल देता है उसका केज का और ये बाहर निकल के चला जाता है अपने ट्रिप पर। तो मतलब देखो इनका ये बॉन्ड कितना कैसा है और कितना अच्छा है, मतलब ये सब कुछ समझते हैं और सब कुछ ऑब्जर्व करते कि कैसा क्या है। तो ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, एक टेक मैं आपको बता दूं कि ये एलईडी के ऊपर बैठ जाते हैं और ये यहाँ पर पूरा सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, ये जब इनके ऊपर बैठ जाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ये खेलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं, ये एक दूसरे के साथ पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी चैरी उड़ गया था तो कीवी आ गया, कीवी उड़ गया तो चैरी आ गया, तो एक दूसरे के साथ भागते हैं, उसको भगाता है, फिर ये जाता है उसके पास दूसरा, फिर वो उसको पकड़ता है, फिर वो इधर आता है, तो ये फिर लास्ट में हार के एलईडी के पास बैठ जाते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये हमारी एलईडी के पास बैठे, ये अलेक्जेंडर पैरट आपको पता है कि ये कैसे खा लेता है कोई भी चीज़ या कुछ हो, पर नहीं, मैंने इनको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ट्रेन किया है कि आपको होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी नुकसान ना करें। तो आप देख सकते हैं एलईडी, ये चाहे तो एक बाइट में ही एलईडी की पूरी स्क्रीन को क्रैक कर दें, पर ये बिल्कुल कभी नहीं करता है, क्योंकि पहले ये बैठता था तो ये कोशिश करता था, तो मैंने इसको थोड़ा सा गाइड किया, थोड़ा सा ट्रेन किया कि ऐसा करना है कि ऐसा नहीं करना है। तो देखो आप देख सकते हो, तो ये बिल्कुल भी बाइट नहीं करता, ये काफ़ी देर से इसी पे ही बैठा रहेगा, ये बहुत टाइम तक यहीं बैठे रहते हैं, खुले में बैठे रहते हैं। उल्टा अगर आपके पास भी पैरट्स हैं तो हो सके जितना हो सके आप उनको केज से ज़्यादा बाहर थोड़ा अपने रूम में या जो भी आपके पास है केज से ऊपर या कहीं पर भी बाहर निकालो, जितना ये बाहर रहेंगे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इनका जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, वरना एक केज के अंदर रहकर इनका खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इनका थोड़ा वेट भी बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके पैरट भी मेरी तरह हेल्दी हो, अब इनको पूरा अप्रैल वन ईयर उसके बाद, मतलब इनको एक साल 8 महीने हो चुके हैं, तो ये डेढ़ से ऊपर साल के हैं दोनों ही, प्लम हेडेड भी और अलेक्जेंडर पैरट भी। तो आप देख सकते हैं इनका हेल्थ भी बहुत अच्छा है, एक बार इनका जो हेयर फॉल होता है, इनका फैदर का होता है, वो एक बार निकल के प्रॉपर तरीके से आ चुका है, और उसके तीन चार मंथ हो चुके हैं कि इनका बिल्कुल भी फैदर नहीं निकले, दोनों के नहीं निकले, दोनों के प्रॉपर बहुत अच्छे से आ चुके हैं। अब मुझे लगता है थोड़े जैसे कि सर्दियाँ में इनके थोड़ा सा हेयर फॉल जो भी बोले इनके फैदर निकल सकते हैं। और रही बात, अब आप अपने पैरट को कैसे हैंड टैम कर रहे हो, आप अपने पैरट को कैसे एक्टिविटी या अच्छे प्रॉप्स के साथ उसने वो न्यू गेम्स खिला रहे हो, तो ये सब ट्रेनिंग आपको खुद ही देनी पड़ेगी। एक दिन में आप इनके साथ इनको निकालो बाहर और इनके साथ प्रॉपर तरीके से आप इनको टाइम स्पेंड करो और थोड़ा सा
जितना आप इनके साथ चीज़ों को लेकर खेलोगे उतना ये लोग, इनका माइंड बहुत शार्प होता है, ये बहुत जल्दी चीज़ें कैच कर लेते हैं। जैसे जैसे आप अपना पैरेट को पालोगे आपको पता चल जाएगा आपका पैरेट किस तरीके का, आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हो, वो सब आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत जल्दी सीख लिया या बहुत जल्दी इनको करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। इनका दोस्ती होने में भी बहुत टाइम लगा। अभी ये जो साथ बैठे हुए हैं ये भी बहुत मुश्किल से बैठे हैं, पहले ये ऐसे नहीं करते थे। पहले जो प्लम हेडेड पैरेट है वो अलेक्जेंडर पैरेट को भगा देता था, नहीं ये मेरा, ये मेरी जगह है, ये इनकी में ये भी चलता है कि ये मेरी सीट है तो आप नहीं इसमें आ सकते। तो अब देखो ये इसके साथ खेलने के लिए रेडी है, तो फिर ये इसको अब मान रहा है कि हाँ आप आ जाओ। तो ये मतलब कि आप वीडियो में देख सकते हो कि कितने क्यूट तरीके से, पहले ये इससे थोड़ी दूरी पे बैठता है, फिर ये इसके धीरे 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 क्लोज आता है, क्लोज आता है, क्लोज आता है, फिर देन ये इसको किस करता है, तो मतलब एक कंफर्ट फील करवाता है कि ऐसे नहीं कि एकदम से ये इसके पास जाएगा फिर ये उड़ जाएंगे मतलब एक दूसरे के। तो ये धीरे धीरे आप देख सकते हो पूरी वीडियो में यही है कि कभी भी ये इसके पास आए तो पहले इससे थोड़ा दूर रहता है, फिर एक कदम स्टेप बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, फिर इसके पास आके बैठ जाते हैं, फिर इसको किस करता है, और वो तो किस वाला बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे पैरट सारे दिन ऐसा ही करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। और सर्दियाँ आ रही है, प्लीज़ अपने पैरट को आप हो सके तो गर्म या कोसा पानी ही डालकर उन्हें दे, और उनके थोड़ा जो उनका खाना है थोड़ा आप उनकी हेल्थ को देखते हुए उनको अच्छे से प्रॉपर डाइट भी दे और थोड़ा बाहर भी निकाले। और सर्दियाँ वैसे ही आ चुकी है तो हो सके तो आप इनको धूप ज़रूर धूप में लेके जाइए, इन्हें धूप सेकाइए। और ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी देर, मैंने देखा है काफ़ी वीडियोज में कई लोग अपने पैर को पूरा पूरा दिन ही धूप में रख देते हैं, उनके केज में डाला और रख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। पूरा दिन तो देखो आप भी नहीं सेक सकते, तो एक घंटा काफ़ी है इनके लिए, आधा एक घंटा जितनी भी देर आप अपने लैंटर पे या टेरिस पे जाते हो तो केज में बंद लेकर इनको जाओ। कईयों के ट्रेन नहीं होते तो वो उड़ भी जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से लॉक लगा कर इनको केज में लैंटर पे लेकर जाओ और इनको आधा एक घंटा आप इनको धूप में रखो। और वो भी अगर धूप बहुत तेज़ है तो आप इनको थोड़ा छाँव में कर दो, आधा इनका केज छाँव में और आधा इनका धूप में कर दो, तो इनको धूप चाहिए होगी तो ये धूप में चल जाएंगे क्योंकि इतने स्मार्ट तो ये होते हैं, और इनको अगर धूप नहीं लेना तो ये छाँव की तरफ बह जाएंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप इनको धूप में ही रखो या छाँव में ही रखो कि ज़्यादा गर्मी लगी है, ये खुद वो कर लेंगे, वो बैलेंस आपको खुद केयर, इतनी केयर तो आपको थोड़ा करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट आप हो सके तो बहुत ही ज़्यादा अब आगे जाके ठंड बढ़ेगी तो आप इनको हो सके तो पानी बिल्कुल भी आप एकदम से इनको ठंडा पानी नहीं दे सकते, आप इनको थोड़ा कोसा होके जैसे आप अपने एक बेबी को पानी देते हैं आप इनको पानी भी वैसा ही दे। और मैं तो इनको वैसे पानी जो मैं पीती हूँ वही वाला पानी देती हूँ आरओ का, तो आप इनको टैप वाटर देते हो तो वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, पर लेकिन पानी साफ़ हो, ऐसा ना हो कि मतलब है ना आप भी ना पी पाओ तो वो आप इनको दे रहे हो सके तो पानी थोड़ा अच्छा इनको दो। और रही बात इनको क्या कहते हैं खाना, इनको खाना अपने तरीके से आप दो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ इनको रोटियां परांठे वगैरह सब्जियां ये बिल्कुल मत दो, ये आपके खाने का है, ये पैरट के खाने का बिल्कुल भी नहीं है, इससे इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इनको ऑयली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जितने भी ट्री पे होते हैं उनको तो बनी हुई सब्जियाँ या इनको परांठे वरांठे ये तो ही नहीं खाते, ये तो वही खाते ना फ्रूट्स नट्स। तो वैसे ही अगर आपने पैट पाला है तो आप इनको फ्रूट नट्स हो सके तो इनको वॉलनट दो, इनका अगर आपने इतना खर्चा किया है तो आप इनके लिए खाने पीने के लिए सीड्स वगैरह ये खरीद सकते हो, ये खर्चा भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इन पे थोड़ा सा खर्चा करो तो इनका हेल्थ भी उसी हिसाब से रहता है। और मेरे पैरट्स का फ़र दे सकते हो आप, खास करके चेरी का, चेरी के फर इतने स्मूथ और इतने अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने कईयों के पैरेट के देखे उनके तो अभी तक आए नहीं है, उनको मतलब कि उनको एकदम से प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उनका डाइट का इशू रहता है। तो आप देख सकते हो मेरे चेरी का कितना अच्छे
वो इसके फैदर्स है। और आप देख सकते हैं जब ये ऐसे बैठ जाते हैं, आपको बताऊं जब इन्होंने क्या कहते हैं, जब भी जितने भी बर्ड्स है अगर ये वो अगर इन्होंने रेस्ट करना होता है या ये सो रहे होते तो हमेशा ये एक लेग पे हो जाते हैं। अगर ये एक लेग पे खड़े हो गए इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा नैप ले रहे हैं। तो इनको छोड़ दें, इनको थोड़ा सा नैप लेने दो। तो अभी ये थक चुका है या जो भी ये सो रहा है या ये सुस्त आ रहा है, ये थोड़ा सा नैप ले रहा है, तो ये एक लेग में होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है ये ना अपने आप को ऐसे फुला लेते हैं ना, आप देख सकते हैं ये क्या चेरी का जो रिंग नेक दिख रहा है ना, रेड कलर का, नहीं रेड नेक में होगा और आगे जो फ्रंट में आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ये ऐसे लगता है पूरा एक मूछ स्टैच है, पूरी एक बिल्कुल मूछों की तरह ऐसे को है। और इतना क्यूट लगता है ना, थोड़ा अगर मैं आपको जूम करके वीडियो ले सकती तो ज़रूर दिखाती कि ये कितना क्यूट और कितना प्यारा लग रहा है। और कीवी कीवी नहीं सो रहा है, कीवी कुछ नहीं कर रहा है, कीवी देखिए कीवी ये कह रहा है कि ये मेरे साथ क्यों है, ये जो भी, पर चेरी तो पूरा अपना मस्त ही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो आगे मैं और ज़्यादा अपलोड करूँगी, और ज़्यादा फ़नी वीडियो होगी जो भी ये क्यूट हरकत करते हैं। उस टाइम ये तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउ नहीं करते, इस टाइम ये इन्होंने पता नहीं ये कैमरा कैसे अलाउ कर लिया है, वरना ये बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं देते हैं। और ये इतनी क्यूट क्यूट हरकत करते हैं ना, जिसको मेरा मन करता है कि कभी कभी कैप्चर कर लो, वीडियो बना लो, पर नहीं तब ये रुक जाएंगे, तभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और जब इसी कैमरा ऑफ कर दिया या कुछ कर दिया, ये इतना क्यूट करते हैं ना, तो अगर कोई देखे तो मतलब दीवाना ही हो जाए इनका। तो आप भी अपनी पैरेट की थोड़ा हेल्प करो। थैंक यू सो मच।